सब्सक्राइब करें जॉब सर्च टुडे को, और जॉब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं जॉब सर्च टुडे, जहां आपको जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये कैट के बारे में है। जो लोग MBA करना चाहते हैं वो कैट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया था, मैट का जो फॉर्म निकला है उसका एग्जामिनेशन सितंबर में होने वाला है। दूसरी तरह इस बार जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है, जो कैट, जो कि इंडिया का MBA के लिए खासकर जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, चलिए मैं दोस्तों मैं उसको बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ब्राउज़र में अपना मैं कैट टाइप करता हूँ। यहाँ टाइप करने के बाद ये कैट 2018 का लिंक जो है उसे ओपन करना है हमें। इसे ओपन करते ही आपको कैट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको अनाउंसमेंट दिखाई देगा इंपॉर्टेंट डेट्स का। अगस्त 8 से 2018 वेंसडे से कैट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो इसका सितंबर 19 से जो है वो आपको 5:00 PM तक आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। 24 अक्टूबर को आपको 1 बजे से, दिन के 1 बजे से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन जो है 25 नवंबर को है, मतलब कि 25 तारीख को नवंबर में इसका एग्जामिनेशन है, जिसके लिए यहाँ पर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। ये जो दोस्तों ये है कैट 2018 का एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन वो कैट का 2018 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन रजिस्ट्रेशन फी है जो 950 है फॉर SC ST एंड PWD एंड 1900 है जो अदर कैटेगरी वालों के लिए है। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो मैंने बता दिया है। रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होगा जनवरी के 2nd week में होगा, जो कि टेंटेटिव है, मतलब फिक्स डेट नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पर जो दिया गया है टेस्ट सेंटर वो 147 टेस्ट सिटीज में होगा। और इसके बारे में और कुछ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं 2018 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन करके देखता हूँ कि आखिर क्या क्या है। तो एलिजिबल होने के लिए आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट होना चाहिए या फाइनल ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ। और 45 SC ST कैंडिडेट के लिए जनरल और अदर के लिए 50% मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए। साथ ही एज पर गवर्नमेंट रूल रिजर्वेशन आपको मिलेगा। और इन्फॉर्मेशन है SC ST के लिए अगर आप नहीं दिखा पाते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको रजिस्ट्रेशन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो लोग MBA की तैयारी कर रहे हैं वो कैट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई करके और एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम सिटीज में एक बार यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप क्लिक करें और आप जैसे देख सकते हैं ये पूरे इंडिया का लिस्ट दिया हुआ है, तो आप अपना एज पर योर प्रेफरेंस आप चूज़ करके आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे बताएं, साथ ही साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।